आज हम आपको बताएंगे कानी शॉल्स के बारे में। कश्मीरी कानी शॉल जो होती है, जो हैंडमेड आती है श्रीनगर की, जो सॉफ्ट कश्मीरी में होती है, बिल्कुल लाइट वेट। उसका वेट होता है 250 ग्राम्स, किलो भी नहीं होता, वो ग्राम में होते हैं। बहुत लाइट वेट है और फुली हैंडमेड में। उसकी पिक्चर भी मैं अपलोड करूँगा और उसके आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ कि उसमें कलर्स कम्बिनेशन तो पिक्चर में और वीडियो में क्या इसके डिफरेंस आते हैं। तो शुरू करते हैं ये कानी शॉल्स के बारे में। मैं जो बता रहा हूँ ये है, ये आप चेक कर सकते हो। ये फुली कानी शॉल्स है, हैंडमेड आती है। इसके कालीन की तरह डिज़ाइन होता है, बैक पे जिस तरह कालीन बनता है ये उस टाइप की बनी होती है। इसमें आपको कलर्स कम्बिनेशन डिज़ाइन सारे मिल जाएंगे। इसका वेट, आप इसको फुल शॉल को यूँ लपेट लें तो ये दोनों मुट्ठी में आ जाती है। इसका ये खासियत होता है और फुली एम्ब्रॉयडरी होती है, प्रिंट नहीं है। ये वर्क हुआ हुआ है। ये वर्क के हिसाब से मैं आपको दिखा दूँ, ये इस टाइप का वर्क हुआ होता है। ये सारा काम होता है कालीन की तरह, ठीक है। और इसमें आपको मैं कलर शो कराता हूँ। ये कलर भी है, ये फिर मुख्तलिफ कलर डिज़ाइन में है, ये देख लीजिए। इसके अलावा आपको ये कलर मिल जाएगा, इसके अलावा ये लाइट कलर, सारे मुख्तलिफ कलर डिज़ाइनिंग में है, जितने भी आपको इसमें चाहिए। ये देख लीजिए, होल सेल प्राइस भी आपको मिलेगी, परचून प्राइस भी है, दोनों अवेलेबल है हमारे पास। होल सेल प्राइस में चाहिए तो 12 पीस से ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको होल सेल प्राइस में मिलेंगे ये सारे डिज़ाइन। इसमें फिर मुख्तलिफ है, ब्लू कलर्स में जाना चाहिए ब्लू कलर्स भी है, ये देख लीजिए। साइज़ भी इसका बेस्ट साइज़ है, आप पहनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ये देख सकते हो आप लोग। ये इसका डिज़ाइन आता है फुली एम्ब्रॉयडरी में, हैंडमेड है। इसको कालीन की तरह बनाया जाता है सारे डिज़ाइन को। इसमें ब्लू कलर, सारे कलर्स, ये अभी ब्लैक के ऊपर ब्लू वर्क के साथ मिल जाएगा आपको। फिर इसी के साथ आएंगे तो ये ब्लैक के ऊपर ग्रीन और मुख्तलिफ फिरोज़ा कलर्स काम हुआ हुआ है, मुख्तलिफ डिज़ाइन में हैंडमेड। फिर इसी के साथ ये ग्रीन के ऊपर मल्टी कलर्स काम किया हुआ है हैंडमेड, जिसमें सारे कलर अवेलेबल हैं हमारे पास। इसके अलावा आपको ये पत्ता डिज़ाइन भी मिल जाएगा, गुलाबकार डिज़ाइन होता है बॉर्डर पे और फिर ये बीच में पत्ते बनाए होते हैं फुली हैंडमेड में, कानी में। ये भी कानी में आती है। इसके अलावा आपको ये डिज़ाइन मिल जाएंगे कानी शॉल्स में, ये भी उसी तरह है, कैरी डिज़ाइन बीच में आया हुआ है, सेट ये बॉर्डर बनाया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में है। फिर ये कैरी डिज़ाइन में, ये बड़ा कैरी बनाया होता है, मुख्तलिफ डिज़ाइन में है, ये भी देख सकते हो आप। इसका भी वेट लेस, 200 ग्राम इसका वज़न होगा, इससे ज़्यादा इसका वज़न हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टूश पश्मीना के ऊपर होता है, जो शतरूज का ब्रदर है। ये बिल्कुल लाइट वेट होगा, इसका फुल लपेट के आप जेब में भी डाल सकते हो, फुट इन पॉकेट ईजीली आप इसको कवर कर सकते हो। इसका वेट नहीं होगा, गर्म ये सबसे ज़्यादा होती है, पर वूल की शॉल की जिस तरह गर्म होती है, लेकिन ये है कि ये लग्जरी शॉल है, ये सबसे फाइन शॉल होती है, लग्जरी शॉल इसको कहते हैं। VVIP बेस्ट डिज़ाइनिंग में है ये शॉल, आप चेक कर सकते हो। सारे डिज़ाइनिंग में आपको शो करा रहा हूँ, बकाया मैंने पिक्चर भी अपलोड की हुई है। वीडियो में लोग कहते हैं समझ नहीं आती, जिस भाई को भी चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट हो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, थोड़ा भी हो तो कर सकते हैं, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये भी आप चेक कर सकते हो डिज़ाइनिंग में बकाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिफरेंट इसके बॉर्डर्स के बारे में, कि इसके बॉर्डर्स कितने डिज़ाइनिंग में है। बहुत सारे डिज़ाइनिंग इसमें और भी है, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फिर ये डिज़ाइन भी है, ये चेक कर लीजिए सारा, ये सब मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में है। कैमरे में मैं आपको इसको सिर्फ वीडियो में दिखा रहा हूँ कि बाकायदा आपको ईजीली लगे कि साइज़ क्या है और डिज़ाइन कैसे होते हैं। पिक्चर तो मैंने वैसे भी अपलोड कर दिया है, आप खुद चेक कर सकते हो उधर, ये देख लीजिए। मैं ये फिर डिफरेंट डिज़ाइन में आ जाता है इसी में, और इसको एक का ज़्यादातर तो शॉपकीपर कहते हैं, ये एंटीक कानी इसको कहा जाता है, एंटीक कानी में, ये देख लीजिए। ये फिर मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में है, ये भी चेक कर लीजिए आप, ये देखिए इसमें ये कलर्स कम्बिनेशन की होंगी, ये देख लीजिए। उसके अलावा जो मैं बॉर्डर्स के बारे में बता रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसमें बॉर्डर कितने हैं। ये सारी वैरायटी इसी की है। थैंक यू।